ये मैं लेके जा रही हूँ मिक्कू का दूध, वो चिल्ला रहा है बहुत तेज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदेश कॉर्नर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये जो क्लिप है ना, ये एक दिन पहले की है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये रात को लेकर के आए थे डोसा वगैरह, ये कायू को चाहिए था तो इसलिए लेकर के आ गए थे, और कायू ने चीला खाया था। लेकिन तो गाइस, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों का वेलकम जो है वॉइस ओवर के थ्रू कर रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाई उसका, उसके लिए सो सॉरी। मैं बताती हूँ कि रात क्या हुआ था। पता है रात क्या हुआ कि समथिंग 12 बज रहे थे, 12 या 1 बज रहा था, और कायू को इतना तेज़ फीवर था, बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था इसे। और फिर जब रात में ही उठ के फिर इसका जो फीवर है वो चेक किया तो 102.2 फीवर था, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। फिर रात में उठ के मैंने इसको एक कॉटन का हैंकी लिया, उसे पानी में भिगो भिगो के बार बार इसके हाथ पैर पूरा शरीर पोछा, बार बार इसके माथे पे पट्टियाँ रखी भीगे हुए कपड़े की, ताकि इसका जो फीवर है वो ज़्यादा तेज़ ना बढ़े। एक्चुअली मैं इसकी दवा ऑलरेडी चल रही थी, जो दवा थी फीवर वाली वो भी दे दी थी मैंने, लेकिन फ़ीवर ना कम से कम 3-4 घंटे तक बिल्कुल कम ही नहीं हुआ, इतना तेज़ फीवर दवा देने के बाद भी कम नहीं हुआ था। तो बस सुबह का ही वेट कर रहे थे कि फटाफट से सुबह हो जाए। और जब कोई परेशानी हो जाती है ना तो रात इतनी लंबी लगती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी रातें जुड़ गई हों इसमें, कितनी जो रात है कितनी बड़ी हो गई है। तो बस वही वाला हाल हमारा था यहाँ पे। और सुबह को जब डॉक्टर से हमने कंफर्म करा तो डॉक्टर ने जो बैठने का जो टाइम था उनका 10:30 का टाइम था डॉक्टर के बैठने का, तो बस हम वही वेट कर रहे थे। तो सुबह के टाइम तो कायू का जो फीवर है ना वो थोड़ा हल्का हो गया था, क्योंकि दवा इसे दोबारा से दे दी थी, इतना तेज़ नहीं था, लेकिन फिर भी फीवर काफ़ी था इसको। तो बस टाइम हो गया था यहाँ पे और मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही थी दवा दिलाने के लिए। और सुबह ये थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी क्योंकि फ़ीवर जो है ना वो हल्का हो गया था, और आप बच्चों का अच्छे से जानते होंगे कि ज़रा सा हल्का सा उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला वो खेलने लग जाते हैं। अगर हम बड़े हों तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर उन्होंने चेक किया, दवाएं देखी कि कौन सी दवा हम दे रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर की दवा थी लेकिन फिर भी उन्होंने चेक करी, सारी दवा हम लेके गए थे साथ में। तो उन्होंने कोई दो इंजेक्शन थे वो मिला के, मेरे को नहीं पता कौन सी थे, तो उसका ये स्टीम दिलवाया था इसे। सर्दी भी थी, खांसी भी थी इसको, साथ ही साथ पेट में दर्द भी था फीवर के साथ ही साथ। तो उन्होंने पहले तो ये स्टीम दिलवाया, फिर उसके बाद में चेकअप के लिए 3-4 इसके चेकअप होंगे तो उसके लिए ब्लड लिया था इसका, जो कि बहुत मुश्किल से इसने लेने दिया था। मैं तो मतलब मेरे सामने तो इंजेक्शन मैं तो इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाती हूँ इसको, जो इसके पापा हैं आकाश जो हैं उन्होंने ही इसे इंजेक्शन लगवाया, और जो ब्लड है वो दिलवाया। मैं तो देख के ही रोने लग पड़ी थी, और फिर मैं वहाँ से आ गई थी डॉक्टर के यहाँ से दवा वगैरह लेके हम सब आ गए थे। तो फिर मिक्कू जो है वो भी भूखा था, तो फिर कायू बोलती मम्मा इसे दूध दे दो, तो उसे थोड़ा सा दूध दिया था मैंने, क्योंकि वो देखते ही भूख रहा था, क्योंकि आई थिंक वो भूखा ही होगा इसलिए चिल्ला रहा था वो, वरना इतना चिल्लाता नहीं है। तो बस उसे दूध दिया था, जो कि उसने सारा दूध जो है पी लिया था। और आगे की ये जो क्लिप है ना गाइज, मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ ना, ये वाली जो क्लिप है ये एक दिन पहले की है, जिस दिन हम डॉक्टर के पास गए थे ना उससे एक दिन पहले की। और आप देख सकते हैं कि घर का कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। मोस्टली आज की डेट में हर घर में सीलन होती है, बट इतनी ज़्यादा होती है ये मेरे को नहीं पता, इतनी ज़्यादा सीलन आ रखी है कि आधी आधी दीवारें हैं ना वो पूरी ख़राब हो रखी हैं, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है घर। तो बस वो जो सीलन आ रखी है ना उसी को निकलवा के, जो भी पुट्टी वगैरह आई थिंक करवाने वाले हैं, तो बस उसी का यहाँ पे ये काम चल रहा था। और इसे करने में ना पूरा दिन लग गया था, सिर्फ ये पुट्टी वगैरह का, ये हटाने में इसको, क्योंकि बाहर भी है अंदर, और ये जो देख रहे हैं ना आप ये अंदर रूम का है, सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। एक साइड में तो बहुत ही एक एक वॉल जो है ना वो पूरी ऊपर तक ख़राब हो रखी है, और ये बाहर हॉल एरिया है जहाँ पे नीचे से इन्होंने सही करके पुट्टी कर दी थी। तो बस मैंने हल्का सा वही सूट कर लिया था, और काम देख सकते हो अब कितना ज़्यादा फैला पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। सामान जो भी था वो सारा निकाल के रख दिया था, क्योंकि पुट्टी करनी थी तो इसलिए सामान तो हटाना ही पड़ता।
तो आप सामान देख सकते हैं कि बीच में पड़ा हुआ है। सारा सामान वॉल से हटा के रख दिया था, और जितने भी शो पीसेस वगैरह होते हैं वो सोफ़े पे, फ्लावर पॉट वगैरह, और जो भी भगवान जी की मूर्तियाँ जो होती हैं वो सब हमने साइड में हटा के रख दी थी ताकि इजीली हो जाए। और ये जो भैया करके गए थे ना, इन्होंने बोला था कि इस सामान को अभी मत लगाना, क्योंकि अभी तो ये एक और बार पुट्टी होएगी। एक और बार पुट्टी होने के बाद में आई थिंक पता नहीं ये पेंट वगैरह क्या होगा नहीं होगा, मेरे को नहीं पता है इतना। तो पुट्टी होने के बाद में ना बोल रहे थे कि 24 घंटे सूख जाए, उसी के बाद झाड़ू लगाना, और उसी के बाद आप ये जमाना सामान अगर जमाना चाहते हो तो, क्योंकि अभी हुआ है और गीले के यहाँ पर आप झाड़ू लगाओगे ना तो सारी जो डस्ट है वो चिपक जाएगी। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा, मतलब जो दीवार है ना वो कट रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और ये है जहाँ पे ये सारे शो पीसेस वगैरह रखे रहते हैं, वो टेबल थी तो वो सब निकाल के रख दी थी। और देखो रूम में भी ये पुट्टी लगा गए थे, पुट्टी लगाने के बाद में ना ये कुछ इस तरीके से हो गया था। अभी अभी फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा है। और फिर उसके बाद में मैंने खाने के लिए, भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो दोपहर में कुछ खाने के लिए था नहीं, तो फिर क्योंकि खाना बन नहीं पाया था क्योंकि हम हॉस्पिटल चले गए थे, तो आके फिर मैंने थोड़ा सा पोहा ही बना लिया था क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। तो पोहा बनाने के लिए मैं ना घी में ही बनाती हूँ मोस्टली सारी चीज़ें जो भी बनाती हूँ। जो दो चार सब्जियाँ होती हैं उन्हीं को सिर्फ ऑयल में बनाती हूँ, दाल वगैरह हो गई या पोहा, खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह, ये सारी चीज़ें घी में ही बनाती हूँ क्योंकि टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है इनका। वैसे अपने अकॉर्डिंग सब लोग बनाते हैं, कोई लोग घी में बनाता है, कई लोग तेल में भी बनाते हैं, बट मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घी में ही सारी चीज़ें बनाऊँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लूँ, क्वांटिटी थोड़ी ही रहती है घी की, लेकिन बनाती घी में ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज वगैरह और टमाटर थे वो भून लिए थे, उसके बाद में जो भी मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, और मैंने राई में ही इन्हें भूना था, सॉरी राई में ही डाला था, क्योंकि ना करी पत्ता जो है, मैं जल्दी में थी बहुत ज़्यादा। करी पत्ता का जो नीचे पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ हो जाता है ना, ऐसा ही पेड़ है करी पत्ता का भी, मीठे नीम जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं, बट बहुत जल्दी में थी तो मैं नहीं जा पाई नीचे, मैंने फटाफट से ऐसे ही बना लिया। और गाइज मेरे को बताना कि आप लोग भी क्या चीनी डालते हैं थोड़ा सा, मैं हल्का सा चीनी डाल देती हूँ साथ में नमक के, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। और देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी में थी ना कि पहले मूंगफली भूनते हैं उन्हें भूनना मैं भूल गई, फ्राई करना भूल गई थी, फिर मेरे को ध्यान आया पोहा धुल के कि अरे यार मैं तो वो करना भूल ही गई। तो फिर एक साइड में जब तक ये पक रहे थे टमाटर, तो जब तक मैंने दूसरी साइड में ना क्या कहते हैं मूंगफलियों को भून लिया था, तो यहाँ पे तो ये बन गए थे पोहा। फिर इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और जिस टाइम मैं मिक्स कर रही हूँ उन्हें मिक्स करके फिर मैं जो मूंगफलियाँ होती हैं उन्हें तल लेती हूँ। तलने के बाद में फिर इसमें डाल के फिर अच्छे से मैं सर्व कर देती हूँ। देखो जब बच्चा बीमार होता है ना तो ना तो कोई काम करने का मन करता, ना खाने का मन करता, और जब बच्चा नहीं खाता तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, पता है जब काई को ना ब्लड लिया गया था, मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था वहाँ पे। मैं तो वहीं पे मतलब मैं तो आंसू निकलने लगे, और वो कह रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से, आप रहने दो, ऐसे कोई करता है क्या, बच्चे बीमार तो होते रहते हैं बच्चे, बट कोई नहीं। अभी इसके कल को ना चेकअप वगैरह और होने, कल हमें फिर वापस से जाना है, सुबह हम जल्दी जाएंगे, अल्ट्रासाउंड भी होगा इसका, पेट का अल्ट्रासाउंड के लिए बोला है उन्होंने कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि पेट में इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से इसको पेट में बार बार दर्द हो रहा है और फीवर भी नहीं जा रहा है। एक दिन के लिए फीवर गया था और फिर वापस से रात को इतनी तेज़ हो गया था। तो यहाँ पे ये पोहा बन के रेडी हो गया है, और ये कायू तो खाती नहीं है ये पोहा। पोहा क्या जिसमें अनियन डाल दो, वो चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। अनियन गार्लिक वगैरह डाल दो ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती। अगर हाँ पीस के डालने से दिखाई नहीं दे तो ये खा लेती है। अगर मैं इसके लिए दाल भी बनाती हूँ ना तो सिर्फ हींग जीरे वाली दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि ये खाती नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर ये शाम के टाइम क्या कहते हैं थोड़ा सा सो गई थी मैं दोपहर में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं ना क्या कहते हैं 4-5 दिन से थोड़ा एक्सरसाइज कर रही थी, और जब स्टार्टिंग करो ना एक्सरसाइज करने की तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ये समझ लो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को भी फीवर आ गया। तो इतनी ज़्यादा थकान थकान सी हो रही थी, तो मैं दोपहर में सो गई थी। फिर शाम को उठ के मेरे पे चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा था। तो शाम को उठ के बस मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी अपने लिए, काई को दूध के लिए पूछा, उसने मना कर दिया कि उसका मन नहीं है बिल्कुल भी दूध वगैरह लेने का, तो कोई नहीं। और देखो यहाँ पे मैंने कैमरे को सेट करके रखा हुआ, तो बस ये मस्ती कर रही थी कि कुछ कुछ आके बोल रही थी कि वीडियो बना रहे हो, अच्छा मेरे को बनाना है, ऐसे करना है। तो मैं यहाँ पे चाय लेके बैठी ना, तो चाय के साथ में थोड़ा सा मैंने नमकीन ले लिया था, क्योंकि खाली चाय तो नहीं पी जाती है मेरे से,
तो बस यही था। और काई बैठ के यहाँ पे मेरे साथ मस्ती कर रही थी और मेरे को ना बार बार बोल रही है आप मेरे को खाना खिलाती हो ना, तो चलो मैं भी आपको खाना खिला देती हूँ, बच्चे जो दिखते हैं वही करते हैं। तो बस यही था आज का रूटीन। और कल भी आई थिंक मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड कराना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे कल के वीडियो में, और जब तक आप ये वीडियो एंजॉय करिए गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे को ज़रूर से सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना जो है मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आगे लेके जाएँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो में, जब तक आप इसे एंजॉय करिए।